आफ्टर दैट हाँ मैम, इस ब्रिक को ले जा करके प्लेस कर दोगे हमारी कौन सी मशीन में, सीटीएम मशीन में। इसको बोलते हैं हम मशीन। कॉम्प्रेसिव कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, ठीक है। इसमें बहुत सारी अच्छा चीज़ें हम टेस्ट कर सकते हैं। हमारा जो कंक्रीट का क्यूब बनाएंगे, हम कंक्रीट का जो घन बनाएंगे वो भी इसमें लगा के तोड़ के इसका लोड निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, हम अपनी ईंट को भी इसमें लगा के तोड़ सकते हैं, और मोर्टार के जो क्यूब रहते हैं वो भी हम इसमें लगा के तोड़ सकते हैं। तोड़ते क्यों है, तोड़ने का मतलब ये है कि कितने लोड पे टूट रहा है, ठीक है। मतलब उसकी ताकत कहाँ तक बची है, टूट जाएगा मतलब उतनी ताकत तक वो झेल सक रहा था, है ना। जितना लोड लगा रहे थे उतनी ताकत तक झेल सकता था। मैं तुमको मारूंगी मारूंगी मारूंगी, एक तुम्हारी ताकत होगी, उसके बाद तुम क्या होगे कि ढेर हो जाओगे, तो तुम्हारे हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब तुम्हारी ताकत कहाँ तक थी, मैंने 10 मुक्के मारे उतनी तुम्हारी ताकत थी, 11वें मुक्के में तुम ढेर हो जाओगे, ठीक है। तो हम निकाल रहे कि इसकी ताकत है कितनी, ठीक है। स्ट्रेंथ इसकी कितनी है, किसकी, ईंट की हमारी। तो हमने क्या करा, पहले तो इसका एरिया कैलकुलेट कर दिया, फिर ये जो गड्ढा था, ये जो फ्रॉक था इसका, ये इसको कैसे फिल करा, सैंड से या मोर्टार से, ठीक है, या तो रेती बालू रेती या फिर हमारा बारीक माल से इसको फिल कर दिया। इसको इवन कर दिया, मतलब जो एक्सेस अमाउंट में था ज़्यादा ज़्यादा था, ऐसे उंगली फेर देंगे या ऐसे स्केल फेर देंगे तो एक्स्ट्रा वाला नीचे गिर जाएगा। फिर ऐसे किसी ब्रिक को हम कहाँ रख देंगे, हमारी सीटीएम मशीन में, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसी 2-3 घड़ियाँ होती है, 2 घड़ियाँ होती है, फिर हम उसका स्विच ऑन कर देंगे, ठीक है। स्विच ऑन कर देंगे तो इस पर ऊपर और नीचे से लोड लगने लगेगा, ठीक है, लगने लगेगा लगने लगेगा। एक पॉइंट आएगा, धीरे से थोड़ा सा इसमें कट आएगा, थोड़ा सा फिर क्रैक आएगा, फिर कुछ ब्रेक आएगा। तो जब क्या होगा कि सीधा सीधा कुछ या इसका पूरा एक ही पार्ट टूट जाता है, तो फिर ये घड़ी क्या होती है, रुक जाती है। जैसे ही अपन को लग रहा है कि घड़ी स्टेबल हो रही है, कम हो रही है, मतलब धीरे धीरे कम होने लग जाएगी ना, क्योंकि ये टूटने लग जाएगा, तो लोड होता जाता है कम, एक पॉइंट तक बढ़ता है और फिर एक पॉइंट तक कम होता जाता है। तो बेसिक सी बात है, जैसे ही हमको समझ में आएगा कि ये टूट चुकी है ब्रिक और लोड लगना हो गया है बंद, तो फिर हम क्या करेंगे, खटका कर देंगे उसका बंद, और यहाँ पे जितना लोड आएगा हमारा वो लिख लेंगे, ठीक है। तो ये तो था, हमने क्षेत्रफल निकाला था, अब हम निकालते हैं लोड। लोड तो हमारी मशीन एज इट इज दे देगी, न्यूटन के फॉर्म में या किलो न्यूटन के फॉर्म में। अगर किलो न्यूटन के फॉर्म में देगी तो आप डिवाइड कर देना उसको 1000 से, तो काय में आ जाएगा वो वैल्यू न्यूटन में, जो भी आएगा। समझ में आ रही है बात, या तो मशीन न्यूटन में देगी या किलो न्यूटन में देगी। मैंने यहाँ पे दोनों का कन्वर्जन आपको समझा ही दिया है ना। मीटिंग अगर एंड हो जाए तो आप वापस से वही लिंक को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टाइम ओवर हो रहा है, थोड़ा टाइम जा रहा है। अब देखो बेसिक सी बात है, हमको अगर लोड उसने दिया किलो न्यूटन में, तो हम न्यूटन में कर लेंगे उसको। कैसे करेंगे, जो भी लोड आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो वो आ जाएगा हमारी वैल्यू न्यूटन में, ठीक है। अगर हमारी मशीन जो लोड दे रही है, जो लोड दे रही है वो दे रही है न्यूटन में, सपोज समथिंग वैल्यू इन द न्यूटन। सबको आवाज़ आ रही है, जी मैम, हाँ। जी मैम, तो अगर न्यूटन में दे रही है तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई न्यूटन की, है ना। कुछ भी मान लो 50 या 60, है ना, इतनी नहीं आएगी, मगर मान लिया कि 50 आ गई, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है हमारा कंप्रेशन टेस्टिंग निकालने का, या कंप्रेसिव फोर्स निकालने का। तो अब ये फॉर्मूला समझना, कंप्रेसिव फोर्स बराबर हमारा लोड बटे क्षेत्रफल, लोड अपॉन एरिया, ठीक है। आ रही है बात समझ में, देखो अब एक चीज समझना, ये तो कौन देगी, मशीन देगी, मशीन जी मैम, है ना। लोड हम ले लेंगे मशीन से, या तो किलो न्यूटन में या न्यूटन में। किलो न्यूटन में देगी तो न्यूटन में बदल लेंगे। और हमारा जो एरिया हमने निकाला था, दो भुजाओं को गुणा करके वो हमको एरिया मिल गया, ठीक है, किसके फॉर्म में, सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम क्या कर देंगे, जो लोड हमको मिलेगा, जो भी हमको मशीन देगी, भागित कर देंगे एरिया, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कि हमारी जो ईंट की क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आई बात समझ में? कोई डाउट है इस प्रैक्टिकल में? मैम, ये कंप्रेसिव फोर्स निकालने का है, फॉर्मूला है ना मैम, हाँ, ये कंप्रेसिव लोडिंग स्ट्रेंथ बोल लो चाहे फोर्स बोल लो, ठीक है, जी, फोर्स भी बोल स्ट्रेंथ सकते जी। हैं या फिर स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। फोर्स बल, बल का सूत्र क्या होता है? सॉरी, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं इसको, हाँ स्ट्रेस, मैम, वही तो फोर्स सॉरी, निकालते हैं जी, स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेंथ स्ट्रेस है का ना, फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, दोबारा ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं ये नहीं मालूम मेरे को, तनाव, क्या बोलते हैं? तनाव रुको, देख लेती हूँ। ठीक है मैम, हो गया स्ट्रेस, लोड क्या हो मटेरियल, गया रे? कौन भाई, ठंडा हो यार थोड़ा। ठीक है मैम, देखो मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड। देखो दिख रहा है ये स्ट्रेस, एफ अपॉन ए, फोर्स बटे एरिया, है ना? कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। फोर्स का यूनिट काय में होता है? हमारे न्यूटन में। स्ट्रेस आएगा हमारा पास्कल में, दिख रहा है? फोर्स मतलब बल या फिर लोड, उसको लोड भी बोल सकते हैं। और ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, जो एरिया हमने निकाला, इनका मीटर स्क्वायर में हम सेंटीमीटर से नाप रहे, तो सेंटीमीटर में हमारी यूनिट आएगी, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में? स्ट्रेस को हिंदी में स्ट्रेस ही बोलते हैं, ठीक है। मैम तनाव, तनाव हाँ, तनाव। हो, स्ट्रेस कंप्रेसिव तनाव, देखो दो चीज़ इसमें बताई है, केजी, ये देखो ये वाली दिख रही, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो हम केजी में उसकी मात्रा निकाल लें या फिर न्यूटन में निकाल लें, ठीक है। तो ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी हो सकता है और न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो आ गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या स्ट्रेस हमने निकाली लोड बटे एरिया। आगे सबको समझ में पढ़े? अब अगला अगला प्रैक्टिस, ठीक है। अब हम टेस्ट यस पढ़ रहे हैं, मैम, हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। हमने तीन ईंट के सैंपल ले लिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 2 3, उस पे मार्क कर लिया, दिख रहा है सबको? ऑप्शन टेस्ट ऑन ब्रिक, अब देखो मैंने कल एक चीज़ बताई थी आपको कि हम मेनली तीन एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारे ब्रिक के ऊपर। अगर ब्रिक की क्षमता, ब्रिक की हार्डनेस और ब्रिक कितनी मजबूत है ये हमको निकालना है, तो हम कितने टेस्ट लगाएंगे? तीन। पहला तो टेस्ट था हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, और देखा।
और दूसरा टेस्ट है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। मैं 2 दिन से बता रही हूँ आपको कि ब्रिक हमारी जितनी छेद होगी, जितनी पोरस होगी, उतनी क्या होगी, वीक होगी। ठीक है, कोई सी भी चीज़ वीक कब होती है, जब उसका एरिया में से कुछ ना कुछ कम कर दें हम। ठीक है, उसका जो एरिया है, अगर तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी में मैं अगर छेद कर दूँ तो तुम्हारा एरिया ख़त्म हो रहा है ना, छेद हो रहे हैं, तो तुम्हारी बॉडी वीक होगी, टूट जल्दी जाएगी। कोई सी भी टेबल ले लो या फिर लकड़ी ले लो, किसी में भी छेद कर देंगे ना, तो अपन छेद वाले पार्ट से वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। मतलब आपने एरिया क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया या डिडक्ट कर दिया। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, अब हमको पता लगाना है हमारी ब्रिक कितनी छेद से परिपूर्ण है, मतलब कितने छेद है या कितने छिद्र है। तो ब्रिक की एक टेंडेंसी होती है, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब सारे जो वॉइड्स होते हैं, सारे जो छेद होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, पानी का ग्रहण कर लेते हैं, संग्रहण कर लेते हैं। तो जितना ज्यादा पानी पिएगी वो, उससे हमको पता पड़ेगा कि उतने ज्यादा उसमें क्या है, छेद है। ठीक है, bricks are being selected from a group of bricks. And it is named as 1, 2, 3 using permanent marker. तीन ब्रिक के सैंपल लिए हमने और तीनों पे मार्क लगा लिए, 1, 2, 3, मतलब सैंपल 1, 2 और 3। So use in a water tank. Yes, ma'am. The bricks have been immersed. Now the brick देखो ये गलत कर रहे हैं भैया, ऐसा नहीं करना है। गलत से मतलब है पहले हमको इसका वेट करना है। ठीक है, पहले वेट करना है, फिर पानी में डुबोना है। नहीं तो अगर पहले पानी में डुबो लेंगे बिना वेट करे, तो फिर कैसे पता पड़ेगा कि उसका पहला और ओरिजिनल वेट क्या था? क्योंकि अगला वेट जो आएगा वो पानी के साथ वाला वेट आएगा। पहले वेट मेरे को देख लेना तो ये सही है कि नहीं है।